नेपालगढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन ग्राम लोखंडिया में आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे नंद कुमार सिंह चौहान को अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ बुरहानपुर ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं अतिथि शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष राकेश राजपूत ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से सेवाएं देने पर भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार की ओर, जिसमें सिर्फ स्कूल संचालन होने पर ही सरकार हमारी सेवाएं महज 9 महीने लेती है, लेकिन नियमितीकरण होने से सभी वंचित हैं, जिसके चलते सांसद नंदकिशोर चौहान को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं नगर अतिथि शिक्षक संघ की मांगे सरकार नहीं मानती है तो प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। हम हमारी समस्याओं से माननीय सांसद महोदय एवं विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती सुमित्रा जी काशीकर से हमारी समस्याओं को लेकर अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी अतिथि शिक्षक शासकीय शालाओं में पिछले 15 वर्षों से सेवारत हैं। हम पूर्व में भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा हमें अनेकों बार आश्वस्त किया है कि हम आपको अनुभव के आधार पर 12 माह की सेवा अवधि एवं नियमितीकरण का लाभ देंगे, लेकिन आज तक के हमें 12 माह की सेवा अवधि या हमारा नियमितीकरण शासन ने नहीं किया है एवं वर्तमान में कोविड महामारी के समय प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हम सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम शासन से ये मांग करने आए हैं कि हमें शीघ्र 12 माह की सेवा अवधि या हमारा नियमितीकरण शासन द्वारा किया जाए एवं लॉकडाउन का मई से लेकर सितंबर माह का हमारा जो वेतन है वो शीघ्र हमें भुगतान किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉकडाउन के समय समाचार चैनलों में ये कहा था कि किसी भी कर्मचारी का वेतन इस महामारी के समय नहीं काटा जाएगा, अतः हम शासन से मांग करते हैं कि हमारा मई से लेकर सितंबर माह तक का वेतन शीघ्र दिया जाए एवं हमें 12 माह की सेवा अवधि का कार्य करने का मौका दिया जाए। मैं जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश बोरगांवकर, संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जिला बुरहानपुर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नेपानगर से उमेश मावस्कर की रिपोर्ट।